सो गाइज वेलकम बैक टू माई अदर व्लॉग और हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो आज का मोटिव यही रहेगा कि मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं और वहां तक का जो भी सफर होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, हम वो रिकॉर्ड करेंगे। तो चैनल पर न्यू है, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और भी वीडियो जो चैनल पर डली हुई हैं उनको भी जाके चेक करें। सो मिलते हैं। सो जो मेहंदीपुर का रास्ता है, हम जाएंगे शामली से, वो टाइम की बचत करता है और शॉर्ट पड़ता है, क्योंकि अगर हम पानीपत से जाएंगे तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली से हमें बांदीकुई की ट्रेन मिलेगी, हम शामली से ही बांदीकुई की ट्रेन लेंगे जो डायरेक्ट जाएगी बांदीकुई, और वहां से शेयर टैक्सी और ऑटो जो सीधा मेहंदीपुर बालाजी हमें लेके जाएंगी होटल के पास। तो इसमें हमारी टाइम की बचत होगी और काफी सारी जो हमारे यार दोस्त भी हैं जो सनोली गाँव से हमें मिलेंगे, तो हमें शॉर्ट पड़ेगा ये रास्ता। गाइस हम रेडी हो चुके हैं, हिमांशु भाई साहब भी हमारे साथ जा रहे हैं। सो मिलता है हम आपको गाड़ी के अंदर। तो मिंटू भारद्वाज जी तैयार हो चुके हैं, तैयार हो गए हैं। आज बोल जय श्री राम। सुनो ली भाई तो भूल गए, पनीर भुर्जी ले गए। जय श्री राम। प्लेटफॉर्म नंबर एक पे एक अरे पल अरे कंकल हम तो गाइस हम दिल्ली आ चुके हैं और रात के बज रहे हैं एक, और हमारी ट्रेन है एक घंटा लेट। और आप देख सकते हैं अभी हम दिल्ली से निकले हैं और हमें जाना है क्या कहते हैं ना भूल जाता हूँ मैं उसका बार बार, हमें तो मेहंदीपुर बालाजी नहीं जाना है, बूंदीपुर। सो वहाँ जाके अभी मिलते हैं, अभी दिल्ली से निकले हैं, हमने कुछ खाना पीना खाया है, इसके बाद हम सो जाएंगे और सुबह ही आँख खुलेगी, जब भी आँख खुलेगी कैमरा ऑन करेंगे और आपको दिखाएंगे हम कहाँ पहुँचे। सो मिलते हैं बाद में। तो गाइस हम बांदीकुई आ चुके हैं और यहाँ पे हम जाएंगे अब मेहंदीपुर बालाजी के धाम पर, और यहाँ पे अभी हम देखते हैं, अभी होटल लेंगे, रूम लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके और फिर हम नहा धो के फिर आगे जाएंगे। चलो मिलते हैं और वहीं पे। चाह पी लाम जी भाई लौट जा फिर।
लौट जा। हाँ ये बात कहाँ मिलेगा टेम्पो? ये क्या करे? ये तो 100 रुपए मांगा था वो। तो भाई सब कम कर लेगा, 100 का 10 कम करके करेंगे। So guys, एक घंटा हमारा यहाँ खराब हो गया और उसके बाद हमारे को ये भाई टैक्सी वाला भाई है, ये हमारे को छोड़ के आएगा बालाजी तक। और ये जीप वाला है, जीप वाला। और ये हमारे से लेगा भाई 70 रुपए। So guys, सांगी भाई की दया से हम यहाँ पहुँच गए। मिंटू भाई, सांगी भाई की दया से पहुँच गए हम। So guys, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के हम बाहर हैं अभी। अभी 3 पहाड़ी का सफ़र हम रिकॉर्ड करेंगे अपने कैमरे में। अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत गर्मी है इस टाइम, भीड़ भी बहुत है शनिवार की वजह से। So दिखाते हैं यहाँ के कुछ व्यूज़। रूम के रेट बहुत हाई बता रखे हैं, पहले 1000 रुपए के थे, अब 1500 के कर दिए। ये धर्मशाला बिल्कुल ये लगा लो आप मंदिर से थोड़ा सा पहले है, बिल्कुल इसी रोड पे मेन रोड पे। सो ये हनुमान जी की प्रतिमा जो कि 3 पहाड़ी से काफी बड़ी दिखाई देती है। और अभी हमारा रूम यहीं पे इसके सामने। सो गाइज, हम बालाजी के मंदिर के पास आ चुके हैं। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये बालाजी का मंदिर है और यहाँ पे बहुत भीड़ है इस टाइम। और टाइम हो रखा है 11:30 के आसपास, 11:30-12 के आसपास। सो गाइज, हमने प्रसाद ले लिया है यहाँ पे से राम मंदिर के पास से। जो प्रसाद मिलता है ये बेटर है यहाँ पे, बाकी सारी जगह प्रसाद है बट अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और यहाँ पे हमने पीछे देखा काफ़ी सारे लोग नाच रहे थे इधर इस साइड भी, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी सारे लोग अपना संकट कटवाने के लिए आए हुए हैं। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई नेगेटिव एनर्जी हो किसी के अंदर, वो यहाँ पे आके अपना कष्ट दूर कर सकता है और यहाँ पे 100% होएगा दूर। सो मिलते हैं अंदर ही। यहाँ पे काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई है अभी फ़िलहाल, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई है अभी उधर तक। कितनी भीड़ लगी हुई है आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है। और हमें लग चुका है यहाँ पे 1 घंटा और अभी तक आधी लाइन भी पूरी नहीं हुई है। हम आपको दिखाते हैं। मिंटू भारद्वाज जी, कैसा लग रहा है आपको लाइन में? मन लग रहा है और चित लग रहा है बाबा में। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। बोलो कुकी भाई को जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। कुकी भाई आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अच्छा फील हो रहा है? गर्मी तो नहीं लग रही बिल्कुल भी? गर्मी नहीं, गर्मी की बात तो ये है ना कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे और सारी चीज़ें, मतलब नेगेटिविटी है ही नहीं, पॉजिटिव इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप, आपका ऐसा लगेगा नहीं कि आप कोई मतलब तेरे तो क्या ही पूछो है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत ही बढ़िया आनंद आ रहा है। थोड़ा तेज बोल भाई। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया आनंद आ रहा है। आनंद नहीं आ रहा है, आनंद में ये जो लाइन है ना बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है महाराज के दर्शन के लिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।
सो गाइस हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, बिल्कुल बाहर मंदिर के। ये मंदिर के अंदर जा रहा है, अगर कैमरा ऑन होगा तो रखेंगे वरना ऑफ रहेगा कैमरा। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सारा बंद कर दिया, बिल्कुल सारा। जो उससे है मतलब गंदगी बहुत ज्यादा होती थी, इसीलिए यही वाला प्रसाद सब जगह चढ़ा के यही मतलब घर के लिए भी करवा देते हैं। सो गाइस हमने बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए और आपको वीडियो में भी दिखा देंगी, दिखाई दिया जैसे कि वीडियो बना लिया, और अब हम जा रहे हैं राम मंदिर के पास। सो गाइस हम राम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। सो गाइस यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो चुकी है अपनी तीन पहाड़ की, और आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम चढ़ रहे हैं ऊपर। आखिरी पार्ट रह चुका है, दो कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी मतलब ज्यादा कुछ खास तो नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल है। गोरखनाथ बाबा का धुना मिल ही गया है अभी। सो गाइस दर्शन हो चुके हैं यहाँ पे, जब यहाँ हम दर्शन कर चुके हैं हम चल रहे हैं भाई नीचे। ये भाई को फुलबड़ी का शौक है, ये हो चुकी है इंडिया में लुप्त, ये पाई है भाई को यही यही पाई है ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट। और दर्शनों के बाद तो ये तो बाद आनंद काया हो गया। चलो भाई फिर तला चलते हैं सिकंजी गेल, डुबो डुबो के पियेंगे। हाँ, अब चलते हैं सिकंजी पॉइंट पे। ओके भाई मिलते हैं सीधा डायरेक्ट वही समाधि आड़े बाबा का राह यूं तरक है, यूं जाओगा बालाजी और यूं जाओगा समाधि आड़े बाबा। भाई जी करते हो जो रास्ता तो यही है समाधि आड़े का। चलो फिर यहीं से चलो ट्रैवल एंड टूर। वह हजारों हैं बजरंगबली। समाधि वाले बाबा वो रे जी, और मंदिर निर्माण हो रहा है, इस कार्य अवश्य मंदिर नहीं जा सकते, काम है। हाँ। काम निर्माणाधीन है अभी इसका। ले लो भाई ये जोत है।
चूड़ी चाड़ी। अब हम आ चुके हैं बालाजी बाजार में। भाई बाबा का तो यही चाहते। सो गाइस इतनी भीड़ आज तक तो हमने कहीं देखी नहीं। देखिए भाई, भाई साहब मरने वाला काम हो रहा था, बहुत मुश्किल से निकल का आए। एक तो लुगाई देख, ये बेहोश होली मेरे ख्याल में, वहां तो होली भी जा रही है। So भाई शनिवार को तो कैंसिल ही कर दो बना प्रोग्राम। शनिवार मंगलवार बहुत ज्यादा भीड़ बताई गई है। बताई क्या गई है, देख लिया तो गर्मी बहुत ज्यादा थी। गर्मी बहुत थी, अब तो ठीक है। कहने की बात यह है, आप कमल अरोड़ा की टी शर्ट से अंदाजा लगा सकते हो गर्मी कितनी थी। अरे यार मजाक की बात नहीं, वो तो नहीं। सो मिलते हैं होटल में जाके आराम से। फेमस कचौरी वाला फालतू डाल देगा। जैसे कि आपने सब वीडियो को देख लिया, वहां के माहौल को देख लिया, और जो जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देने थे वो हमने दे दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारी फैमिली में ज्वाइन होना ना भूलिए, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जो होगा गंगोत्री के पास। बाय बाय।